हैदराबाद नामपल्ली रेसिडेंसी होटल में राजस्थानी प्रवासी जालौर सिरोही 36 कौम की एक सभा आयोजित की गई। एमपी देवभाई पटेल, भाजपा एमएलए व उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नवभारत समाचार से संवाददाता सुरेश ओझा। और एमएलए नारायण सिंह जी भी साथ में थे। व्यापारी बंधुओं के बीच में कुछ विषय थे, जिस विषय की इनकी जो जानकारी थी वो जानकारी इनको प्रदान की और उसके साथ साथ इनकी जो समस्या उस समस्याओं को इनको भी सुना। साथ ही देश में एक विशाल हमारी आस्था का केंद्र विश्व प्रख्यात मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए भी यहाँ से धन जो है वो भेजने के लिए भी इनको निवेदन किया और सभी से आग्रह है कि सबकी जो शक्ति है वैसी वो भक्ति करें ताकि एक हमारा विश्व प्रख्यात जो मंदिर बन रहा है उसमें सबका योगदान और सब उसमें लाभार्थी बने ऐसी व्यवस्था में हम भी भाग लें, ये विषय रखा हुआ है और सबने बहुत अच्छे से उसको स्वागत किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ व्यापारी बंधुओं को भी और शायद जल्द ही ये लोग वहाँ पे जो राशि भेजेंगे उस राशि से इनको भी धन का लाभ होगा ऐसी आशा भगवान से मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जालौर सिरोही प्रवासी संघ हैदराबाद के माध्यम से आज ये सदैव कार्यक्रम रखा गया है। अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम लोगों के जालौर से सिरोही प्रवासी संघ के हमारे पदाधिकारी जो 36 कोण से निवेदन करने आए हैं कि इस पुण्य के काम में आप अधिक से अधिक धन सहयोग कर इस पवित्र काम में आप अपना सहयोग करें, ये निवेदन। इनके जी इधर वहां टाउन जम हो गए देखो अगर टाउन जम की बने लगे आमंग है बड़े सारी चीजों ने ले लिया और विचार करो जरा ये मारवाड़ी धरती माता जी हो पे ऐसे आया मारवाड़ में अगर दुर्गा जी को मंदिर भी बनते हुए ने तो उंगली धजावास से भी तू भी बोला नारायण सिंह जी मैंने आपको हमें एक विषय रखियो मात्र 1100 करोड़ खाली 1100 करोड़ वो तो ये ने खाली दो जेवी रीते मानवाड़ी धरती ने माथे अगर आपको मंदिर बने तो जाने के बाद में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अगर हमारे इस मंदिर में निर्माण के अंदर अपना योगदान होगा तो 100% लोग हमको याद भी करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के अंदर कितना सहयोग किया था। मारवाड़ी में टीपे टीपे समुद्र हो गए दरियो भरे घड़ो भरे तो आप लोग भी एक अटे हॉल में से पधारो ना। Yeah.